हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, राजू झा जी, प्रेम रंजन पटेल जी, अरविंद बाबू, शंभू जी, अन्य सभी मित्रगण, आपसे क्षमा चाहते हैं लेट से आपको खबर देना पड़ा, लेकिन मामला आवश्यक था। राहुल गांधी का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया, जो उनका अभी भाषण हुआ है। तो एक राष्ट्रीय विषय मुझे निर्देश हुआ दिल्ली से कि मैं उनका जवाब पटना से दूं, मैं यहाँ पर चुनाव के लिए आया हुआ हूँ, तो अपनी कुछ बातें कह दूं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, इस यात्रा में उन्होंने कितना भारत को समझा और कितना अपनी पार्टी को जोड़ा, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं, तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल क्या है कन्याकुमारी से, तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापिस आएगी, हम आपसे पूछेंगे ये जमीन गई कब थी, जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना। और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था, याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं? राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे? और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो, वो सब वीडियो पर आया है। और आप बोलते हैं कि भारत की सेना पिटती है, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, ये आपकी पार्टी की राजनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया था, आपने उरी पर भी सवाल किया था, और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है, राहुल गांधी ठीक है क्या? आज उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए, आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं।
आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लड़ी अब अतीत की बात हो गई, ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। और राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के निर्देश में मुझे इस देश के आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में हम लोग चीन से एप्पल की 14 फैक्ट्रियां उठाकर हिंदुस्तान ले आए थे, ये हम कर रहे हैं मेड इन इंडिया के लिए, और आप हम पर सवाल कर रहे हैं। अरे कभी अपने तो आईने में उठ झांक कर देखते, ये गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बन गई है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों के मारने की बात की गई है? किसी ने तो नहीं कहा है। हाँ, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आज आपको याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके पर नानाजी नेहरू जी ने उनको मना किया था, फिर भी वो गए थे। आज आपको बताना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है। एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था, 550 से अधिक रियासतों को भारत ने मिलाया था, आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे, तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं, वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, क्योंकि बंटवारा भी कांग्रेस पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहनी है, कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। आज मैं विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक बहादुर लड़की सानिया मिर्जा आज एयरफोर्स में पायलट बनने जा रही है। आपको पता है, आज भारत की हॉकी टीम, भारत की क्रिकेट टीम, भारत की एथलेटिक टीम में इस देश की बहादुर बेटियां जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, वो बड़ा नाम कर रही हैं। कभी जानने की कोशिश करते हैं आप?
और आपको बताऊं, 3 तलाक लाए थे हम देश की मुस्लिम बेटियों को उत्थान करने के लिए, आपकी पार्टी ने विरोध किया, याद है आपको कुछ? तो आज जब देश को जोड़ने की बात करते हैं तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत फैलाने का काम किया आजादी के बाद, ये आपको बताना जरूरी था। शाहबानो से लेकर सायरा बानो तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास तोड़ने का रहा है और अल्पसंख्यक समाज को रूढ़िवादिता में घेरने का रहा है। एक मुझे और बात कहनी है कि ये बार बार कुछ व्यावसायिक घरानों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना, तो हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी आपसे एक सवाल जरूर करेंगे, आपकी पार्टी की जो सरकार है वहां पर उनके द्वारा काम हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बता दीजिए आप हमें। और अगर काम हो रहा है तो आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है क्या? क्या मतलब है इस झूठे आधार पर देश में क्या बयानबाजी करते हैं? हाँ, हमें याद है कि आपकी सरकार में कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ था, फोन बैंकिंग हुई थी, इसको लोन दो, इसका लोन काटो, याद है ना? ये सब समाप्त हो गया राहुल गांधी ना। तो आपके दोस्तों की अब तिजारत चलती नहीं तो आपको नफरत का पैगाम फैलाने का अवसर मिला है। कृपया करके ये सब बंद करिए राहुल गांधी, अपनी राजनीति के लिए आप चलिए, वो तो आपका अधिकार है, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पाए, देश जोड़ने चले। इसलिए आज हमें जवाब देना जरूरी है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में एक तलखी है, और तलखी ये है कि जनता उनको वोट नहीं देती। तो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं, आज तो उन्होंने आप लोगों को भी बहुत सुनाया है। तो राहुल गांधी जी, अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बात हम देश के सामने उठाना चाहते हैं। अभी ना चुनाव हुआ गुजरात में, 27 साल के बाद ऐसी निर्णायक जीत हुई कि कांग्रेस पार्टी औसत 50,000 वोट से आ रही है। आप जीते हिमाचल में, हिलते डुलते जीते आप, वो वहां 85 से वही परंपरा है, आगे 24 में भी हारेंगे बुरी तरह से। क्योंकि राहुल गांधी, आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी सोच खुद नफरत के आधार पर है, जिस नफरत की बुनियाद में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत, और देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और सम्मान करती है। यह है आपके दिल की तलखी। तो राहुल जी, मैं आज आपको एक ही बात कहूंगा, बहुत विनम्रता से, आप सिर्फ बोलिए ही नहीं प्यार की बात, कुछ अपने दिल में भी प्यार पनपाइए। राजनीति में आलोचना होती है, तलखी का स्थान नहीं होता। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम से कब निकलेंगे, भेदभाव की भावना से कब निकलेंगे, जो विचार आप लोगों ने, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो क्या 3 तलाक की भाषा हिंदू मुस्लिम की थी? वो महिलाओं के कल्याण की थी। सानिया मिर्जा मिर्जापुर की अगर आज एयरफोर्स की पायलट बन रही तो हिंदू मुस्लिम की बात? हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये आप समझने की बात करिए, और ये हम हमेशा करेंगे। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लाखों करोड़ रुपए गए हैं कि नहीं अकाउंट में? हिंदू में भी गए, मुसलमानों में भी गए। अगर आज 80 करोड़ गरीबों को खाना मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, तो हम ऐसे काम करते हैं। ऐसा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। ऐसा है सवाल, तिरंगा तो सबका है, राहुल गांधी का भी है, रविशंकर का भी है, यहाँ बैठे सबों का, आपका भी है, तिरंगा पर क्या आपत्ति है? लेकिन जहां तिरंगा फहराने जा रहे हैं, उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने भाजपा के लोग भी गए थे, याद है आपको? और सेना को हम काफी सुरक्षा देना पड़ा था, हम लोग भी गए थे युवा मोर्चा में काम करते, और आज सब लोग जाते हैं, तो ये भारत कश्मीर का माहौल बदला। ये नया इसलिए नहीं, उनको ये अवसर इसलिए मिल रहा है
कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर से खौफ का माहौल खत्म किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी शादी विवाह में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वही पार्लियामेंट में आते हैं तो मास्क पहन के आते हैं, ये दोहरी राजनीति क्यों? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी हल्की बात करेंगे? अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी देख करके आया तो एक शहर में रोज 5 लाख लोग मर रहे हैं चाइना में, ये खबर मैंने देखा, करोड़ों लोग एफिक्टेड हो गए। खड़गे साहब, आपको मैं यही याद दिलाऊंगा कि आपके पूर्व में भी जब कोरोना आया था तो आपके नेता ने क्या कहा था, ये ताली बजाने से क्या होगा, ये मोदी के कोविड लेने से क्या होगा, वैक्सीन, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता से समझे खड़गे साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा। क्या आप सबका साथ सबका विकास और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही ब्रिटिश बालों के हत्यारों को अत्याचारियों को छोड़ दिया जाता है, उनको सम्मानित भी किया जाता है, उनको स्वागत भी किया जाता है, क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई और आपको मालूम है कि उनके परिवार ने वहां रिव्यू भी लगाया था, उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बिल्किस बानो के बारे में आपने सवाल किया, राहुल गांधी, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया, उसके बारे में कभी सवाल किया क्या? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आया हूँ राहुल, दूसरा है विषय से संबंधित, धन्यवाद, थैंक यू भाई, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए।